ये है जी इंडिया की सबसे पहली फूड वैन जहां पे गरीबों को फ्री में खाना खिलाया जाता है और ये आविष्कार है इन ए नटराजन साहब का। इन्होंने आज से 7 साल पहले लंदन से सब कुछ छोड़ छाड़ के ये इंडिया आए और एक ऐसी फूड वैन खोली जो न जाने कितने लोगों का पेट रोज भरती है। और इस फूड वैन की तरफ आप जरा नजर डालिए, यहाँ पे जो खाना आपको खिलाया जाता है वो फ्री में खिलाया जाता है, कोई चार्ज नहीं किया जाता। सबसे पौष्टिक, सबसे बेहतरीन, सबसे लाजवाब आहार जो है ना दिन का, वो आपको यहाँ पे ये नटराजन साहब खिलाते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इनका ये खाना तैयार किया जाता है। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये दलिया है जिसके अंदर मूली है, गाजर है, गोभी है, घिया है, तोरी है, टिंडे हैं, टमाटर है, आलू है, मटर है, बीन्स हैं, चने हैं और न जाने कितने पौष्टिक आहार हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें, आज जलेबी है, गाढ़ा गाढ़ा यहाँ रायता है, केले हैं और ऊपर आप देखें कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपनी इस वैन को जो है ना वो सजा के रखा हुआ है। और ये जितने भी आप आइटम यहाँ देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जाते हैं इनके रोज के आहार में जो ये तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये साउथ इंडियन मिर्ची है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये गुड़ है और बहुत ही सुंदर यहाँ पे इनकी ये वैन है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पूरे वैन का टूर, इनसे बात भी करता हूँ। आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वैन है ये क्योंकि ये इंजीनियर है इसलिए इन्होंने इसको बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है और इसमें लगभग 15 लाख रुपए का जो खर्चा है ना वैन के अलावा वो आया है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये स्टूल जिन्होंने रखे हैं, 20 स्टूल्स हैं इनके पास जहां पे बैठ के लोग आराम से अपना जो आहार है, जो अपना ब्रेकफास्ट है वो आराम से कर सकते हैं। अंदर इन्होंने आप देखेंगे कि एक बड़ा सा टैंकर भी लगा रखा है जिसके अंदर पानी रहता है, वहां पे पाइप लगाई हुई है मोटर की, यहाँ पे इन्होंने एक टैप दिया हुआ है जिसको ऑन करने से पानी आता है और उसके बाद जो बर्तन में लोग खाते हैं उसको धो के यहाँ पे फिर वो लेके आते हैं, इनको पास ऑन करते हैं। और यहाँ पे दो टैप अलग हैं जिसमें दो पानी है, एक सर्फ का पानी रहता है और एक नॉर्मल पानी रहता है। प्लेट वॉश करते हैं, प्लेट यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद फिर आगे अपने दिनचर्या का काम करते हैं। और भाई साहब, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, अरबोंपति लोगों को देखा है, लेकिन ये जो सोच है ना इनकी, वो ना किसी की थी, वो ना किसी की है। आप यहाँ जो देख रहे हो ये एक फूड वैन है और दूसरी वैन है यहाँ पे, ये है एक वाटर वैन। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो मटके है ना पूरे साउथ दिल्ली के, उनके अंदर पानी भरा जाता है और यहाँ से इस वैन से उन लोगों को खाना खिलाया जाता है जो खाना अपनी जेब से नहीं खर्च सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा नाम नटराजन है, मेरा उम्र है 74। मैं लंदन में था, लंदन से मुझे कैंसर आया था, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। उसके बाद मैंने बहुत जगह में वॉलंटियर किया, शांति अवेदना सदन एक टर्मिनल कैंसर सेंटर था, ये वैन वहाँ लिया था क्योंकि बहुत लोग मर जाते हैं वहाँ। मरने के बाद मैंने सिस्टर को बोला मैंने एक वैन ले लेंगे, हम लेके जाएंगे, एम्बुलेंस बुलाने के लिए जरूरत नहीं। वो लोग आते, बहुत लड़ाई करते हैं। देखिए गाइस, जब तक ये किचन कमर्शियल नहीं था तब तक यहाँ पे सारी कुकिंग की जाती थी और यहीं से जो खाना है ना वो बना के फिर अलग अलग जगहों पे लेके जाया जाता था। और आज भी ये किचन उसी तरीके से मौजूद है, आप देखेंगे कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे इस किचन को कितनी साफ सफाई से रखा हुआ है। भाई एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपने दोनों की दोनों वैन तो देख ली, अब जरा इस तरफ नजर डालिए। ये देखिए, ये सारे के सारे वो औजार है जो इस वैन में अगर कभी गड़बड़ी, कभी कोई खराबी आ जाए ना, ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये कोई मैकेनिक नहीं आता यहाँ पे, कोई इंजीनियर नहीं आता, अंकल खुद ही सब कुछ करते हैं। और ये देखिए जनाब, ये है इंडिया की एक ऐसी लौती वैन जिसे इन्होंने डिजाइन किया है और खुद ब खुद एक 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 नट भी ना यहाँ पे इन्होंने खुद इसके अंदर लगाया है। ये है वाटर वैन और ये वाटर वैन इन मटका मैन ने तैयार की है। ये देखिए, इसके अंदर टोटल जो आप देख रहे हैं ना वो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 20 के 20 नल हैं ताकि कोई भी आए जिसको पानी पीना हो या कोई भी आए जो अपनी बॉटल भरना हो वो यहाँ से इसमें भर सकता है। देखिएगा, इस समय मैं साउथ दिल्ली के सबसे ज्यादा पॉश इलाके में से एक हूँ। यहाँ पे गार्ड्स भी काम करते हैं, यहाँ पे मेड्स भी काम करते हैं, यहाँ पे वर्कर्स भी काम करते हैं, लेकिन सबके सब ना कहीं और खाना नहीं खाते, इनके पास आके खाना खाते हैं। आप देखें गार्ड्स भी लाइन में लगे हुए हैं और हर कोई यहाँ पे आके इनका जो खाना है ना, क्योंकि ये इतने प्यार से खिलाते हैं, लग जाते हैं लाइन में खाने के लिए। देखिए जी, यहाँ पे एक जो वैन का स्टॉपेज था वो कम्प्लीट हो चुका है, लगभग 100 से 150 लोगों को खाना खिलाने के बाद अब ये वैन जो है आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ी है। अब ये जाएगी दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ पे और भी लोग इंतजार कर रहे हैं इनका, इस खाने को खाने के लिए। बहुत अच्छा रहता है। क्या कहेंगे इनके बारे में? ये लेडीज़ ऐसे जेंट्स सब खाना बहुत अच्छा बनाते हैं,
और सब खा खा के जाते हैं बाबू जी, सबको आवाज मार मार के जाते हैं। रानी दीदी 16 साल से आप काम कर रहे हैं नटराजन जी के साथ, ये बताइए जो ये कर रहे हैं आपको लगता है कोई और कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता। आप खाना बनाते हैं लोगों के लिए, आपको कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, तो गरीब लोगों के लिए ऐसा कोई सोचता नहीं है। हाँ। अगर इंसान में अगर एक लाख पानी देने के लोग राजी नहीं होते हैं। हाँ। और उनके लिए खाना बना के देने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो भाई देखिए, इतना ज्यादा पौष्टिक आहार ये खिला रहे हैं, मैं भी लग चुका हूँ अब लाइन में नंबर लगा के अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जो भी भूखा है वो आए इस लाइन में लगे और यहाँ से ये जो इतना ज्यादा पौष्टिक आहार है ना उनको एंजॉय करे। ये देखिए जनाब, ये है वो थाली जो कि मतलब प्राइसलेस है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा प्यार है। जैसे कि मैंने आपको बताया ढेर सारी 20 से ज्यादा वेजिटेबल्स है इसके अंदर, बीन्स है इसके अंदर, दालें हैं इसके अंदर, स्प्राउट्स है इसके अंदर, चने हैं इसके अंदर, और ये बहुत ज्यादा पौष्टिक आहार है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और दिखाइए, जागरूकता फैलाइए लोगों में कि मटका मैन जैसे हमें और कितने सारे लोगों की जरूरत है।